वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 22 करोड़ पौधों का रोपण किया जाना है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत को मूल इकाई मानते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु सामुदायिक भवन, नहर, रोड, स्कूल, ग्राउंड्स और काश्तकार की जो निजी भूमि है वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए रखा गया है। एक वृक्ष अभिभावक, ऐसा करके इसका टाइटल है, एक वृक्ष अभिभावक ग्राम प्रधान के अतिरिक्त मनोनीत किया जाएगा। इसका मेन मोटिव है कि हम आने वाले समय में अपनी जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको एक बेहतर पर्यावरण, एक एटमॉस्फेयर दे पाए, उसी के लिए इसको जन आंदोलन के रूप में सरकार ने बनाने का एक संकल्प लिया है। इस वृद्धि से जन सामान्य को होने वाले पर्यावरणीय लाभों के अतिरिक्त किसानों की आय में तथा प्रदेश की हरितमा में वृद्धि होगी। तीसरा जो एक मत है, अभी माननीय राज्यपाल जी के यहां जाना है, प्रस्तावित है, जो आगामी जो हमारा विधानसभा सेशन है 28 फरवरी 2019 को दोनों सदनों का सत्रावसन कर दिया गया था और उसकी एक नियमावली होती है, उसी के तहत 28 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव है। 28 फरवरी को सत्रावसन हुआ,